इवेंट एक्साइटिंग है, काफ़ी स्वीट है, अलग भी है, और बच्चे समाज की नींव होते हैं। कभी आप चाहे क्रिमिनल हो चाहे वर्ल्ड लीडर हो, उनकी वहाँ तक जाने की जर्नी बचपन से शुरू होती है कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ, उन पे क्या बीती, कुछ अच्छा कुछ बुरा। ऑल दोज थिंग्स मेक अ चाइल्ड एंड देन दे मेक अ सोसाइटी। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट इनिशिएटिव्स लाइक दिस। हाँ, तो बाप की जिम्मेदारी पहले हटा दो सवाल से। बाप तो है ही। अच्छा, नहीं, फादर तो है ही, नहीं होता ना काफ़ी। अगर हम स्टोरीज में जाएं तो पता चलता है कि बाप के ना होने से क्या क्या बीतती है बच्चों पे, या बाप अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं पूरी करता तो क्या बीतती है बच्चों पे। मदर इज़ ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट, अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी चाइल्ड्स ग्रोथ एंड इन द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी। आपका सवाल क्या था? हाँ, माहौल से ज़्यादा अगर मुझे अभी पता है कि मेरे घर में जो लेडी काम पे आती है उसका पति रोज़ उसको दारू पी के पीटता है, बच्चे पे क्या बीतती होगी? वो 4 साल का है, 5 साल का है, बड़े हो के क्या वो सेम बिहेवियर को मॉडल करेगा या क्या करेगा, क्या सीखेगा? वो सब ज़रूरी है, उसमें सिर्फ माँ नहीं बाप का भी हाथ होता है। ज़्यादातर बाप का जो मैंने देखा है उसमें तो मैं यही देख रही हूँ कि उसका हाथ रहता है, परवरिश कैसी होती है उस पर, एंड दैट अफेक्ट सोसाइटी। बिल्कुल, इतना हट के सवाल तुमने सोचा कैसे? कभी सुना ही नहीं था मैंने कभी। माई बैड हैबिट, आई थिंक आई प्रोक्रेस्टिनेट अलॉट। आई ऑलमोस्ट फिनिश मैनी थिंग्स एंड देन आई स्टॉप, so that is a bad habit. Thank you. Any last questions, guys? किस लिए? अरे पर ये हमारा इसके लिए कुछ है नहीं। एक काम करो, मैं आने से पहले अपडेट दे दो, आज ये हुआ है, क्योंकि मैं इधर आ गई, मैंने पेपर नहीं पढ़ा तो मैं प्रिपेयर तो हो जाऊँ। कुछ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, मैं फेल हो जाऊंगी। थैंक यू, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। क्यों सजा क्यों हुई?